हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमारा जो ये स्लैब है, इसकी शटरिंग कैसे करते हैं, ये जो स्लैब हम ढकते हैं, कवर करते हैं, इसको कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। अब जैसे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम सबसे पहले बीम बॉटम लगाते हैं। जैसे ये क्या है, नीचे में बीम बॉटम लगा हुआ है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो बीम बॉटम है वो उसकी जो विड्थ कितनी है। जैसे विड्थ हमें पता होनी चाहिए, बीम की हाइट पता होनी चाहिए। अब जैसे देखिए, मैं फॉर एग्जांपल आपको एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक हमारा रूम जो है, स्लैब का एक रूम, ये कवर हो रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसेस, और ये प्रोसेस पता होना चाहिए जो नए लड़के होते हैं, जो साइट पे आते हैं। अगर उन्हें कह दिया जाता है कि ठीक है, आप जा कर के शटरिंग लगवाओ, स्लैब कवर कराओ, तो वो करा नहीं पाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे साइड बना के रखा हुआ है। तो आइए आपको मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह इसी टाइप से ये प्रोसेस फॉलो हो। ये बस एक तरीका, यहाँ पर जिस तरीके से ये स्लैब ढका जा रहा है, वो तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बीम बॉटम की, तो ये जो है, ये हमारा बीम बॉटम है। तो ये वाली बीम जो है हमारी, ये इसकी जो विड्थ है, ये 250 की है ये वाली बीम। और इसकी जो हाइट है, एक्चुअली क्या है, बीम की हाइट जो है वो टोटल 600 की है। तो इसमें क्या होता है, जब कारपेंटर, जब शटरिंग वाले इसकी साइड लगाते हैं, तो वो आपसे लाइन किल पूछेंगे कि सर हमें इसका लाइन किल बताइए कितने पे लगेगा। लाइन किल एक्चुअली वो होता है, जैसे हमारा ये बीम क्या है, 600 का है, तो इसमें जो स्लैब की कॉन्क्रीट है वो 200 की है। तो वो 200 क्या होता है, इसमें माइनस होता है। तो 200 अगर माइनस करेंगे तो 600 में वो 400 होगा। तो इसकी जो साइड लगेगी वो लाइन किल जो 400 पे होगी ये। लेकिन ये क्या होता है, नीचे भी 50 mm जाता है और 10-12 mm की प्लाई होती है, तो ये पूरी साइड जो आउटर फेस से होगी वो होगी 460 mm की, 460 या 70 mm की ये साइड होगी। लेकिन कारपेंटर आपसे लाइन किल ही पूछेगा कि बीम बॉटम के ऊपर से कितनी साइड होगी इसकी। तो इंटरनल फेस में कंक्रीट आप कवर कंक्रीट माइनस कर लीजिएगा। अगर आपका आउटर फेस है जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी बिल्कुल पूरी की पूरी 600 की साइड लगेगी। और ये बहुत ज़रूरी है, लाइन कील जो इसकी डायमेंशन है वो पता होनी चाहिए। इसी में लोग बता नहीं पाते हैं शटरिंग वाले को, और वो समझ जाते हैं कि जो स्टाफ है उन्हें आता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जब साइड लगा लेते हैं, साइड लगाने के बाद ये देखिए स्लैब कवर करने का प्रोसेस चल रहा है। जैसे ये MS प्रोप लगा रखा है इन्होंने, ये देखिए MS प्रोप के ऊपर हॉरिजॉन्टल MS चैनल लगाया हुआ है, और ये इसकी फ्रेमिंग चल रही है। यहाँ पर क्या है, MS ट्यूब से, स्क्वायर ट्यूब से ये शट कवर कर रहे हैं स्लैब, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो चैनल है, ये 900 mm पे है, 900 के डिस्टेंस पे है। और ये देखिए यहाँ पे स्लैब कवर हो रहा है, हर एक एक प्लाई के बाद, जो 2400 की हमारी जो प्लाई है, 1200x2440 की, हर एक एक प्लाई के बाद ये एक बैटन रखते हैं, 50x75 की जो बैटन है ये वाली, ये डालते हैं यहाँ पर। वो इसलिए डालते हैं कि जो ये प्लाई आई यहाँ पर, तो और जो ये नेक्स्ट प्लाई आएगी यहाँ पर उधर से, तो उसका जॉइंट यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद नेल से इसको, कील से इसको कवर करते हैं। तो आप एक छोटा सा प्रोसेस है, आप इसको देखिए, समझिए। बहुत जगह क्या होता है, ये यहाँ पर बैटन भी लगाया जाता है, बैटन से भी स्लैब कवर किया जाता है। तो मैं ये एक आपको एक तरीका दिखाया हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से स्लैब कवर हो रहा है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।